हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 का सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 3, टुडे कम्स एवरी डे। टुडे कम्स एवरी डे का मतलब होता है आज रोज आता है। टुडे यानी कि आज और एवरी डे यानी कि रोज। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1, सिंग दिस पोयम। अब हमें यहाँ पे एक पोयम दे रखी है, उसे हम अब पढ़ेंगे। माई डॉग लिसन टू मी वेन आई टॉक, ही गोज विथ मी फॉर अ वॉक। वेन आई स्लीपी ही स्लीपी टू, ही डज एवरीथिंग आई डू। ही हैज आईज दैट ऑलवेज शो, ही नोज एवरीथिंग आई नो। वेन आई स्पीक ही ऑलवेज माइंड, शेयर विथ मी द थिंग्स ही फाइंड। वेन अदर पीपल से आई एम बैड, ही हैंग्स हिज हेड एंड लुक सो सैड। He cuddles up and lick my hand and tell me he can understand. अब देखो इसमें पोयम में क्या बताया, ये जो है लड़का जिसे हम क्या बोलेंगे, पोएट। पोएट यानी कि कवि। इसके पास कौन है, एक डॉग है जो क्या बोल रहा है, अपने डॉग के बारे में बता रहा है कि जब पोएट कुछ काम करता है तो उसका डॉग उसके साथ क्या क्या करा है। तो इस पोयम में हमें उस बारे में उसने बताया है, किसने, पोएट ने, पोएट यानी कि कवि ने बताया है। तो देखो डॉग क्या करता है, अब हम देखेंगे। माई डॉग लिसन टू मी वेन आई टॉक, टॉक यानी कि बोलना। तो पोएट क्या बोल रहा है कि जब मैं बोलता हूँ तब मेरा डॉग क्या करता है, लिसन, लिसन यानी कि मुझे सुनता है। जब मैं बोलता हूँ तब मेरा डॉग मुझे सुनता है। ही गोज विथ मी फॉर अ वॉक, वो मेरे साथ कहाँ चलता है, वॉक पे चलता है। When I sleep, he is sleepy too. जब मैं सोता हूँ तो वो भी क्या करता है, सोता है। He does everything I do. वो सब कुछ करता है जो मैं करता हूँ। He has eyes that always show. यानी कि उसके पास जो आंखें है उसमें हमेशा ये दिखता है। He knows everything I know. यानी कि जो मैं जानता हूँ वो उसे सब, वो भी ये सब कुछ जानता है। When I speak, he always mind, यानी speak यानी कि बोलना। जब मैं बोलता हूँ he always mind, यानी कि वो हमेशा ध्यान देता है, mind करता है यानी ध्यान देता है। He share with me the things he find, यानी कि उसका डॉग जो भी चीजें ढूंढ के लाता है वो उसके अपने मालिक को दिखाता है, उसके साथ शेयर करता है। यदि आपने देखा है कि डॉग हमेशा कुछ ना कुछ इधर से उधर ढूंढ के चीजें लाते रहते हैं, तो क्या करता है, मेरा डॉग जो भी चीजें ढूंढता है वो क्या करता है, मेरे साथ शेयर करता है यानी मुझे दिखाता है। When other people say आई एम बैड, ही हैंग्स हिज हेड एंड लुक सो सैड। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि जब अदर पीपल यानी कि बाकी के लोग बोलते हैं कि आई एम बैड यानी कि मैं बुरा हूँ, तो मेरा डॉग क्या करता है, ही हैंग्स हिज हेड यानी कि वो अपना सर झुका देता है और लुक सो बैड और बहुत ही उदास दिखता है, सैड यानी कि दुखी दिखता है। ही कडल्स अप एंड लिक माई हैंड एंड टेल्स मी ही कैन अंडरस्टैंड। तो डॉग क्या करता है कि उनसे गले से लग जाता है, कडल्स अप यानी कि गले से लगना, और एंड लिक माय हैंड, लिक माय हैंड का मतलब होता है हाथ चाटने लगता है वो। एंड टेल्स मी ही कैन अंडरस्टैंड, और वो मुझे बताता है कि वो उसे सब कुछ समझ रहा है, वो कवि को समझ रहा है। अंडरस्टैंड यानी कि समझना। तो बच्चों ये सारी बातें थी जो पोएट ने हमें बताई अपने डॉगी के बारे में। अब बच्चों आपको पता है ना कि डॉगी हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है और सबसे वफादार प्राणी भी होता है। कोई और हमारा सपोर्ट करे ना करे, बट डॉग क्या करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमें कभी छोड़ के नहीं जाता, वो हमेशा हमारे साथ में ही रहता है। तो बच्चों देखो एक्टिविटी 1 से हमें यहाँ पे कुछ बी में एक एक्टिविटी दे रखी है, उसके हमें क्या करना है, फील करना है। एक्टिविटी 1 भी राइट हु डज वॉट विद द हेल्प ऑफ द पोयम, यानी कि यहाँ पे क्या बता, एक डॉग दे रखा है और आई यानी कि पोएट, पोएट क्या कर रहा है उसके बारे में बताया। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, हु डज वॉट विद द हेल्प ऑफ पोयम यानी कि कौन क्या करता है उसके बारे में लिखना है पोयम की मदद से। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो क्या है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, लिसन वेन टॉक, द डॉग लिसन वेन आई टॉक। आई मतलब होता है पोएट, पोएट अपने बारे में बता रहा है, वेन आई टॉक, और वेन का मतलब होता है जब। तो क्या बोला है, लिसन मतलब सुनना और टॉक मतलब बोलना। तो ये क्या बोल रहे है कि डॉग सुनता है जब मैं बात करता हूँ। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, वॉक दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जगह है। तो पोएट क्या करता है, जब
पोएट चलता है, वॉक यानी कि चलना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपको देख रखा है पोयम में ही गोज विथ मी फॉर अ वॉक, यानी कि वो मेरे साथ चलने आता है। तो क्या करे, जब पोएट चलेगा तो डॉग भी क्या कर रहा है, उसके साथ चलता है। तो यहाँ पे वॉक है, तो यहाँ पे आएगा व्हेन आई वॉक, यानी कि द डॉग वॉक्स व्हेन आई वॉक। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, द डॉग वॉक्स व्हेन आई वॉक। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, स्लीप, स्लीप यानी कि सोना, मैंने बताया था। तो यहाँ पे जब पोएट सोता है तो डॉगी भी क्या करता है, उसके साथ सोता है। देखो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, व्हेन आई स्लीप ही स्लीपी टू, यानी कि जब मैं सोता हूँ तो वो भी मेरे साथ सोता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लीप तो इसका दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लीप्स When I sleep, यानी इसका सेंटेंस क्या बनेगा, The dog sleeps when I sleep। तो क्या आएगा, जब मैं सोता हूँ तब मेरा डॉग भी मेरे साथ सोता है। अब नेक्स्ट क्या है, नोज, नोज यानी कि जानना। तो देखो इसकी लाइन पोयम में क्या दे रखी है, ही नोज एवरीथिंग आई नो, यानी कि जो मुझे पता है वो उसे सब पता है। तो यहाँ पे देखो द डॉग नोज, फिर यहाँ पे क्या आएगा, वॉट आई नो, यहाँ पे वैन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा वॉट लगेगा, और यहाँ पे आएगा नो। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, द डॉग नोज वॉट आई नो। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो माइंड, माइंड यानी कि ध्यान देना, लेकिन ये इसका सेंटेंस देखते हैं हम पोयम में, ये रहा देखो, when I speak he always mind। तो देखो he मतलब dog, तो mind जो word है वो किसके बारे में दे रखा है, dog के बारे में। तो यहाँ पे printing mistake हुई है, तो यहाँ पे आएगा minds, और यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, speak, I speak, तो यहाँ पे I में क्या आएगा, speak, और क्या आएगा यहाँ पे, when। तो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं बोलता हूँ तब मेरा डॉग क्या करता है, माइंड यानी कि ध्यान देता है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, द डॉग माइंड्स व्हेन आई स्पीक, जब मैं बात करता हूँ तब क्या करता है, मेरा डॉग सुनता है, उसे ध्यान से सुनता है। अब देखो लास्ट वाला है, यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड्स, फाइंड्स यानी कि ढूंढना। तो देखो इसकी पोएम में क्या दे रखा है, इसकी लाइन, ही शेयर विथ मी द थिंग्स ही फाइंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, थिंग्स यानी कि चीजें, थिंग्स, और यहाँ पे क्या आएगा, शेयर, पोएट के साथ क्या करता है, वो शेयर करता है। तो इसकी लाइन क्या है, ही शेयर थिंग्स ही फाइंड। तो बच्चों इस एक्टिविटी में क्या करना है, ये सेंटेंस जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे आपको इसके सेंटेंस बना के फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों अब हम करेंगे एक्टिविटी टू, वर्क इन ग्रुप ऑफ फोर, रीड फर्स्ट रीड द डायलॉग एंड देन इनेक्ट इट। हमें क्या करना है, ग्रुप में वह काम करना है, पहले हमें क्या करना है, डायलॉग रीड करने है और उसे फिर क्या करना है, इनेक्ट यानी कि उसे दर्शाना है। तो चलो अब हम ये पढ़ेंगे। चिमनलाल इज अ डॉक्टर, चिमनलाल कौन है, डॉक्टर है। जेठालाल एंड पेठालाल आर हिज नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो वो कौन है, जेठालाल और पेठालाल कौन है, उसके पड़ोसी है, किसके, चिमनलाल के। They are at चिमनलाल dispensary, dispensary का मतलब होता है hospital, अस्पताल। तो वो लोग कहाँ है, चिमनलाल के अस्पताल में है। चिमनलाल is advising them, चिमनलाल क्या कर रहा है, उसे सलाह दे रहा है। Advising का मतलब होता है सलाह देना, तो किसे सलाह दे रहा है, उन लोग दोनों को सलाह दे रहा है, किसे, जेठालाल और पेठालाल को। चिमनलाल, देखो अब चिमनलाल क्या बोल रहा है, जेठालाल स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। अब चिमनलाल क्या बोल रहा है, जेठालाल तुम क्या स्टार्ट करो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। तो जेठालाल ने क्या बोला, बट डॉक्टर आई कैन नॉट गेट अप अर्ली, यानी कैन नॉट का मतलब होता है नहीं। तो जेठालाल ने क्या आंसर दिया, डॉक्टर पर मैं जल्दी नहीं उठता। तो चिमनलाल ने क्या बोला, यू कैन डू एक्सरसाइज एनी टाइम। तो चिमनलाल ने बोला कि तुम किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम्हें जल्दी उठने की जरूरत नहीं है एक्सरसाइज के लिए, तुम जब भी उठो तब एक्सरसाइज कर सकते हो। स्कीपिंग एंड वॉकिंग आर गुड फॉर यू। तो क्या बोल रहे, स्कीपिंग यानी कि कूदना और चलना तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। तो जेठालाल ने क्या बोला, वॉकिंग, आई विल गो फॉर अ वॉक। तो जेठालाल ने क्या बोला, ठीक है मैं कहाँ जाऊंगा, वॉक पे जाऊंगा, यानी कि चलने के लिए जाऊंगा।
तो अब देखो पेठालाल क्या बोल रहा है, आई विल ज्वाइन यू। तो पेठालाल ने क्या बोला कि मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा, यानी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम लोग चाहते हो तो भी तुम्हारे फ्रेंड्स बोल देंगे ठीक है हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो वैसे जब जेठालाल ने चलने का डिसाइड करा तो पेठालाल ने क्या बोला कि ठीक है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो चिमनलाल ने क्या बोला, दैट्स फैंटास्टिक पेठालाल, यू कैन ज्वाइन हिम इन डेली वॉक्स बट कैन नॉट ज्वाइन हिम फॉर अ टी। तो चिमनलाल ने क्या बोला, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम उसे ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हें उसके साथ रोज चलने जाना चाहिए, बट तुम उसे किस में ज्वाइन नहीं कर सकते, फॉर अ टी यानी कि चाय में ज्वाइन नहीं कर सकते, तुम उसे चाय के साथ सॉरी चाय पीने में उसके साथ नहीं रहोगे। तो पेठालाल ने क्या बोला, डॉक्टर टी इज नॉट हार्मफुल एंड यू नो, हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानकारक। तो पेठालाल ने क्या बोला कि चाय नुकसानकारक नहीं होती है, आपको पता है ना। तो चिमनलाल ने क्या बोला, पेठालाल यू कैन टेक टी, यू कैन नॉट टेक टी विथ शुगर। तो चिमनलाल ने क्या बोला कि तुम चाय ले सकते हो पर यू कैन नॉट टेक टी विथ शुगर, पर तुम चाय शुगर यानी कि शक्कर के साथ नहीं पी सकते हो। ऐसे बिना शक्कर के चाय पी सकते हो लेकिन शक्कर के साथ नहीं पी सकते, शक्कर क्या होती है हमारे लिए नुकसानकारक होती है, इससे डायबिटीज और इस सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए चिमनलाल ने मना करा कि आप लोग चाय पी सकते हो लेकिन शक्कर के साथ नहीं पी सकते, बिना शक्कर के पी सकते हो। तो पेठालाल ने क्या बोला, कैन आई टेक शुगर विथ मिल्क, क्या मैं दूध सॉरी मिल्क यानी कि दूध, तो क्या मैं दूध दूध के साथ शुगर ले सकता। तो चिमनलाल ने क्या बोला, शुगर नो शुगर एट ऑल, यानी चिमनलाल ने क्या बोला कि नहीं शुगर तो बिल्कुल भी नहीं, शक्कर नहीं ले सकते तुम किसी के साथ भी नहीं। आफ्टर अ वीक यानी आफ्टर यानी कि बाद में, एक वीक के बाद में, वीक यानी कि सप्ताह यानी क्या बोले एक हफ्ते के बाद में क्या हुआ वो बता रहे अब हमें। जेठालाल पेठालाल एंड देयर फ्रेंड मिस्टर चौधरी आर इन द पार्क नियर बाय देयर सोसाइटी। तब कौन है, जेठालाल पेठालाल और उसके फ्रेंड है मिस्टर चौधरी, वो कहाँ पे है, पार्क में उनकी सोसाइटी नियर बाय यानी उनकी सोसाइटी के पास में एक पार्क होगा वहां पे ये तीनों है, कौन जेठालाल पेठालाल और मिस्टर चौधरी। तो मिस्टर चौधरी क्या बोल रहे, व्हाट अ सरप्राइज, इट्स ओनली 7:30 इन द मॉर्निंग एंड जेठालाल इज आउट फॉर अ वॉक। तो मिस्टर चौधरी ने क्या बोला, व्हाट अ सरप्राइज यानी उसे आश्चर्य हुआ कि अभी सुबह के 7:30 बज रहे और जेठालाल कहाँ पे है, पार्क में है चलने के लिए आए। जैसे कि आपका फ्रेंड कोई फ्रेंड और लेट उठता हो और आप उसे एक दिन जल्दी देख लो उठा तो फिर आपको सरप्राइज होगा ना कि आज ये कैसे जल्दी उठ गया पार्क में आ गया। तो वैसे ही जेठालाल भी लेट उठता था बट उसे 7:30 पार्क में देख के मिस्टर चौधरी को ऐसे आश्चर्य हुआ कि आज जेठालाल कहाँ से वॉक करने आ गया सुबह। तो जेठालाल ने क्या बोला, चौधरी साहब नॉट ओनली टूडे जेठालाल गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो जेठालाल ने क्या बोला कि सिर्फ आज ही नहीं जेठालाल रोज आता है वॉक के लिए। मिस्टर चौधरी एवरी मॉर्निंग, यू वर नॉट हियर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो मिस्टर चौधरी ने क्या बोला कि रोज आते हो सुबह पर तुम तो कल नहीं थे यहाँ पे। तो जेठालाल ने क्या बोला, यस्टरडे आई गॉट अ प्लेट बट आई केम हियर फॉर अ वॉक द डे बिफोर यस्टरडे। तो क्या बोल रहा है कि यस्टरडे यानी कि कल मैं क्या हो गया था, लेट हो गया था, आई गॉट अ प्लेट यानी कि मैं लेट हो गया था, बट आई केम हियर फॉर अ वॉक द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि यस्टरडे के पहले के दिन यानी परसों मैं यहाँ पे आया था वॉक के लिए। एंग्रीली यानी कि गुस्से में, मिस्टर चौधरी जेठालाल वॉक्ड हियर इज वॉकिंग हियर एंड जेठालाल विल वॉक हियर टुमारो। तो गुस्से में जेठालाल क्या बोल रहा है, मिस्टर चौधरी जेठालाल वॉक्ड हियर यानी कि जेठालाल चलता था, इज वॉकिंग हियर यानी कि जेठालाल चल रहा है और जेठालाल विल वॉक द वॉक हियर टुमारो यानी कि जेठालाल कल भी चलेगा। टुमारो का मतलब होता है कल यानी कि आने वाला कल और यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। नॉट ओनली टुमारो द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट यानी कि सिर्फ कल ही नहीं उसके अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी यानी कि हमेशा चलेगा। तो मिस्टर चौधरी क्या बोल रहे, ओहो जेठालाल वॉक्स इन द मॉर्निंग, पेठालाल ड्रिंक्स टी विदाउट शुगर, चिमनलाल का जादू। तो मिस्टर चौधरी क्या बोल रहे हैं कि जेठालाल सुबह जल्दी उठ के चलने लगा, पेठालाल बिना चाय के
सॉरी बिना बिना शुगर के चाय पीने लगा, विदाउट यानी कि बिना, और शुगर के यानी कि शक्कर के बिना चाय पीने लगा। तो किसका जादू है? चिमन लाल का जादू है क्या ये? ऐसे करके किसने बोला है? मिस्टर चौधरी ने। तो पेठालाल ने क्या बोला? पेठालाल इन अ बैड मूड, बैड मूड यानी कि बुरे मूड में। क्यों बुरे मूड में इसने बोला? क्योंकि मिस्टर चौधरी ने ताना मारा कि पेठालाल ने बिना चाय, बिना शुगर के चाय पीना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए चौधरी साहब नॉट ओनली टू, यस्टरडे आई ड्रैंक लेमन टी विदाउट माई फेवरेट शुगर। तो इसने क्या बोला पेठालाल ने? कि सिर्फ चाय ही नहीं, मैंने कल बिना शुगर के मेरी फेवरेट सॉरी बिना शुगर के मैंने क्या पी थी? लेमन टी, लेमन यानी कि नींबू। तो उसने क्या बोला? विदाउट माय फेवरेट शुगर यानी कि मैंने लेमन टी पी थी बिना मेरे फेवरेट शुगर के यानी कि शक्कर के बिना लेमन टी पी थी। आई थिंक आई विल नॉट ड्रिंक और ईट एनीथिंग विथ शुगर। तो पेठालाल क्या बोल रहे हैं अब कि मुझे आई विल नॉट ड्रिंक और ईट एनीथिंग विथ शुगर यानी कि मुझे लगता है कि अब मैं बिना शुगर के खाऊंगा और पीऊंगा यानी कि अब से मेरा खाना और बिना किसके बिना होगा? शुगर के बिना होगा। मतलब मैं अब ऐसी कोई भी चीज नहीं खाऊंगा जिसमें क्या हो? शुगर हो। तो मिस्टर चौधरी ने क्या बोला? इट्स ओके फ्रेंड्स, आई विल ज्वाइन यू, वी विल ऑल एंजॉय योर स्पेशल टी एंड योर मॉर्निंग वॉक। तो मिस्टर चौधरी क्या बोलते हैं कि ठीक है फ्रेंड्स, अब कल से मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा और हम सब मिलके क्या करेंगे? तुम्हारी स्पेशल टी और मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये था इसका ट्रांसलेशन था इसका एक्टिविटी 2 का। तो अब क्या करना है आपको? एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 अपनी नोटबुक में करना है, अपने होमवर्क में, और आगे वाली एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।